हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे पीएमसी बैंक कंट्रोवर्सी के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है और उसका सेक्शन 35A और सेक्शन 56 क्या है, इन सब का हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में न्यूज़ में अभी हुआ क्या है। तो अभी बेसिकली आरबीआई ने जो पीएमसी बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसके कस्टमर्स के विड्रॉल पे लिमिट लगा दी है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और ये किया गया है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा अभी पीएमसी के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एक मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली होती क्या है, शेड्यूल्ड बैंक जो है आरबीआई एक्ट जो है, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके सेकंड शेड्यूल के अंडर में आती है, ठीक है। और इसके लिए किसी भी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक होने के लिए 3 कंडीशंस ज़रूरी होती है, ठीक है। उसका एटलीस्ट एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख होना चाहिए, उसका टोटल बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, और इट मस्ट बी कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। तो ये तीनों इसके शेड्यूल्ड बैंक के क्राइटेरिया हैं किसी भी बैंक को होने के लिए। और जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या पीएमसी जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली 6-7 स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इनमें मेजोरिटी है इस बैंक की। टोटल इसके 137 ब्रांचेस हैं, ओके। सो ये बैंक बेसिकली स्टार्ट हुआ था एक सिंगल बैंक के थ्रू, सिंगल ब्रांच बैंक के थ्रू 1984 में, ठीक है। और इसको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिला 2000 में, ईयर 2000 में शेड्यूल्ड बैंक का इसको स्टेटस मिला। और फिर मल्टी स्टेट स्टेटस, मतलब कि कोई भी बैंक अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स में मतलब ऑपरेटिव है, जैसे कि ये इसके 137 ब्रांचेस हैं और 6-7 स्टेट्स में ये ऑपरेटिव है, तो इसको दिया गया मल्टी स्टेट स्टेटस 2004 में। और ये कौन देता है, ये देता है सेंट्रल रजिस्ट्रार, ओके। सो बात करते हैं हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 के बारे में, ठीक है। सेक्शन 35 आरबीआई को स्पेशल पावर देता है कि वो किसी भी बैंक को डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और अगर उसका मतलब जो बैंकिंग कंपनी है, अगर उसका मतलब फाइनेंशियल जो सीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई इस सेक्शन 35A को इन्वोक करता है बेसिकली, ठीक है। और जो ये मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लाइन ये भी है कि जो सेक्शन 56 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके अंडर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती है, मतलब सेक्शन 56 है स्पेशली एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, ओके। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो सबसे पहले पास हुआ था बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है, एज ए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, मतलब इसका पुराना नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, जो कि मतलब लागू हुआ था 16 मार्च 1949 को, और फिर उसको बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया, ठीक है, वो 1966 में, ओके। सो बिफोर 1956 जब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूरे इंडिया में लागू था, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट 1956 से ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। इनिशियली मतलब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था इनिशियली ओनली फॉर बैंकिंग कंपनीज के लिए था, कोऑपरेशन सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के लिए नहीं था। लेकिन 1965 में इस एक्ट को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, ठीक है, टू ऐड कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह को ऐड करने के लिए। और अमेंड करने के बाद इसमें ये ऐड किया गया सेक्शन 56, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं, सेक्शन 56 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ऐड किया गया था टू इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और किसी भी बैंक को लाइसेंस वगैरह देने के लिए, ठीक है, आरबीआई के पास पावर होती है, ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू ही आरबीआई के पास पावर होती है, तभी तो आरबीआई को रेगुलेटर ऑफ बैंक्स बोला जाता है, और इसी वजह से वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है और डायरेक्शन देती है, क्योंकि वो रेगुलेटर ऑफ बैंक है,
ठीक है, अभी हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया है, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। सो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो पीएमसी बैंक है, ठीक है, पीएमसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन पे कि वो 1000 से ज़्यादा का विड्रॉल कर नहीं सकते। ठीक है, ये था 25 सितंबर तक, ठीक है, लेकिन 27 सितंबर को विड्रॉल लिमिट को बढ़ा दिया गया, ठीक है, वो 1000 से 10000 कर दिया गया है, ठीक है। और इम्पोजिशंस लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, सॉरी, तो जैसे कि वो लैंडिंग मनी पे भी किया गया है, और ना वो लोन दे सकता है, नए लोन भी नहीं दे सकता, ना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फंड बोरो नहीं कर सकता, फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले सकता, ठीक है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और फरवरी 2020 तक, ठीक है, ये मतलब फरवरी 2020 तक लगाए गए हैं, बेसिकली 6 मंथ्स के लिए लगाए गए हैं आरबीआई के द्वारा पीएमसी पर। पीएमसी मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और भी कुछ हैं लेकिन ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा तो और कुछ खास थे भी नहीं। और अब बात करते हैं थोड़ा सा डीप में कि क्यों लगाए गए हैं एक्चुअली में। सो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आरबीआई जो है रेगुलेटर ऑफ बैंक है, ठीक है, तो किसी भी सारी बैंकों को मतलब रेगुलेट करता है वो, ठीक है, तो मतलब बैंक में कोई भी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए ऊपर आरबीआई बैठा है। तो अब तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए होंगे। सबसे पहले कि बैंक जो रन होता है, बैंक रन जो होता है, मतलब बैंक पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, उस सबको रोकने के लिए, ठीक है, उस इवेंट को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर बैंक के जो बैड लोन्स हैं, मतलब एनपीए वगैरह की सबके अगर हम बात करें, तो अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएँ तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सब की वजह से बेसिकली क्या आ जाता है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है बैंक में, तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है ऊपर, आरबीआई। तो आरबीआई बेसिकली इसीलिए लगाता है। क्यों, अभी देखो जैसे कि ये है, ग्रॉस बैड लोन्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए 3.76% ऑफ इस टोटल एडवांस, ठीक है, पीएमसी की बात कर रहे हैं हम। और जो बैंक का जो प्रॉफिट है, बैंक का प्रॉफिट 2018 में 100 करोड़ था, ओके, जो कि गिर के 2019 में 99 करोड़ हो गया, इस ये सारे रीजंस की वजह से, ठीक है। और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एनपीए जो बैंक का था वो 2018 में 1.05% था, ओके, और जो इंक्रीज होके 2009 में कितना हो गया, 2.19% हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है ही। और जैसे कि आपको पता ही है एनपीए के बारे में, तो और ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जिसको सीआईआरबी बोलते हैं या सीआरबी बोलते हैं, ये 2018 में 12.29% था, जो कि इंक्रीज हो गया 12.62% हो गया 2019 में अभी। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको निकाल, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या सीएआर को निकालने के लिए, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि बैंक की टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सीएआर पे, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में पूरा। तो अभी थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई ने पहले, इससे पहले क्या क्या किया है, मतलब इससे पहले भी ये सेक्शन लागू किया है किसी बैंक पे या नहीं। तो ये पहला कोई इंस्टेंस नहीं है कि आरबीआई ने पहली बार सेक्शन 35 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट को लगाया है किसी बैंक पे, इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे ओस्मान वाला है, विठल राव की कोऑपरेटिव बैंक है, या करण जत्ता सहकारी बैंक है, सॉरी। और अगर हम इसी ईयर की बात करें, इसी ईयर मई में, ठीक है, मई में ही गोवा बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक थी ये मेडगम अर्बन कोऑपरेट सोसाइटी, ठीक है, इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसकी लिमिट थी 5000। तो ये जो लिमिट बेसिकली होती है, ये मतलब उसके एनपीए वगैरह, बैड लोन वगैरह, उनके परसेंटेज के हिसाब से वेरी करती है। ओके, सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, होप यू गाइस लाइक इट। If you find it useful, then do like, share and subscribe, and thanks for watching.